करते हैं पार्ट फोर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन 11th बायोलॉजी से. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस JGA एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हर्ट. उसने क्या बोला कि जो फंक्शनिंग होती है किडनी की वो मॉनिटर्ड होती है और रेगुलेट होती है किसके थ्रू, हार्मोनल फीडबैक से. मतलब आपका जो हार्मोन्स हैं वो भी फीडबैक देते हैं, वो वर्क करते हैं. और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, JGA दैट इज़ जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये और हर्ट भी कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक इन्वॉल्व होता है. ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाई चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसनट्रेशन. जो हमारी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस को अच्छे से जज कर पाते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं. और वो एक्टिवेट कैसे होते हैं, ब्लड वॉल्यूम में चेंजेस आने से. ठीक है, ब्लड वॉल्यूम में अगर चेंजेस आते हैं, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या फिर आयनिक कंसनट्रेशन में अगर चेंजेस आते हैं, तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं. और ये किसी भी ओवरऑल बॉडी चेंजेस को आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायुरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस. इसके बारे में हमने 11th के एक चैप्टर में पढ़ा है, वो वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देखिएगा 11th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में, जो आपके पूरे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर रिलेटेड है. एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि अगर बॉडी से फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जो फाइनली क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस एंटी डायुरेटिक हार्मोन ADH सिक्रीट करता है या फिर वो वेसोप्रेसिन सिक्रीट करता है. किसकी हेल्प से, न्यूरोहाइपोफाइसिस की हेल्प से. दोबारा देखिए, बॉडी से फ्लूइड कम हुए तो उसने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, हाइपोथैलेमस ने न्यूरोहाइपोफाइसिस की हेल्प से एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज कर दिया और वेसोप्रेसिन रिलीज कर दिया. ADH फैसिलिटेटेड वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल. अब ये ADH अगर लग रहा है कि पानी ज़्यादा कम है बॉडी में, मतलब कम है पानी, लॉस हो चुका है, तो ये ADH उसको रीअब्सॉर्प्शन वर्क को दोबारा करेगा फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब वो बॉडी से एब्जॉर्प्शन का काम करवाएगा, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायरेसिस, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस हो नहीं पाता. एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. अब बॉडी में अगर फ्लूइड हो गए तो क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, जो ऑस्मोरिसेप्टर हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ADH नहीं रिलीज होगा और आपका जो भी प्रोसेस चल रहा था वो नहीं होगा. ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स. ADH क्या करता है, किडनी को फंक्शन को भी अफेक्ट करता है उसके कॉन्स्ट्रिक्टरी अफेक्ट से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो थोड़ा जो आपकी वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स उनको प्रेस कर सकता है, थोड़ा दबा सकता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर GFR से जो हमने देखा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी इंक्रीज होता है. द JGA plays a complex regulatory role. जो आपका JGA है वो भी एक बहुत important complex regulatory role play करता है. A fall in glomerular blood flow या फिर अगर आपका glomerular blood pressure है उसके अंदर कमी आई है तो GFR क्या करता है, JG cell को, ये हमने पहले भी पढ़ा है, GFR JG cell को activate करता है ताकि वो renin release करे. अब क्या होता है, जब ये रेनिन रिलीज करता है तो वो एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड के अंदर होता है उसको कहता है एंजियोटेंसिन 1 एंड बाद में एंजियोटेंसिन 2 रिलीज करने के लिए. दोबारा से देखिए क्या हुआ, आपके ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में या फिर ब्लड प्रेशर में कमी आई तो जिसकी वजह से JFR क्या करता है, JG सेल्स को एक्टिव करता है. ठीक है, JFR एक्टिव करता है JG सेल को ताकि वो रेनिन रिलीज करे. ठीक है, अब उसकी वजह से बॉडी एंजियोटेंसिन जो होता है ब्लड में वो एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज करता है. एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वो जो आपकी वेसल्स होती हैं उनको प्रेस करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और फाइनली आपका GFR इंक्रीज होता है. तो ये आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड है. एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन. ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को मतलब बनाता है ताकि वो एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज करे. एल्डोस्टेरॉन कॉजेज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम. एल्डोस्टेरॉन की वजह से सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है और वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है, कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से.
This also leads to an increase in blood pressure and GFR, और finally इसकी वजह से भी blood pressure और GFR बढ़ता है. This complex mechanism is generally known as renin angiotensin mechanism. ये बहुत ही interesting है, अगर आप इसको flow में पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा. An increase in blood flow to the artery of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor. अगर आपकी body के अंदर flow बढ़ रहा है किसका, atria का, ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट, तो वो रिलीज होता है क्या, ANF रिलीज होता है, आर्टरियल नेट्यूरेटिक फैक्टर. ANF कॉज कैन कॉज वैसोडाइलेशन. देखिए ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है ये ANF. और वैसोडाइलेशन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स एकदम, अगर जैसे हम किसी को दबाते हैं तो उसको प्रेशर बढ़ता है, तो अगर उसको रिलीज कर देते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो वही ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. ANF mechanism therefore act as a check on the renin angiotensin mechanism. इसलिए ये जो ANF mechanism है वो act करता है किसके ऊपर, renin angiotensin mechanism के ऊपर. तो that was all about regulation of kidney function. Next we will move on to the micturition. करते हैं micturition से. Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. जो भी यूरिन नेफ्रॉन्स के थ्रू फॉर्म होती है वो कहाँ पे लेके जाई जाती है, वो अल्टीमेटली कैरी होती है यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है, जहाँ पे ब्लैडर में ये यूरिन स्टोर होती है जब तक उसे एक वॉलेंट्री सिग्नल नहीं मिलता, किसके थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू. जैसे उसे एक सिग्नल मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड इज इट गेट फिल्ड विद यूरिन. और ये सिग्नल आता कहाँ से है, ये जब यूरिनरी ब्लैडर जो है जब वो पूरा फिल हो जाता है यूरिन से, तब ये सिग्नल जनरेट होता है, CNS तक वो सिग्नल जाता है और फाइनली ये सिग्नल उसको मिलता है कि अब काम हो गया है, अब नाउ इट हैज टू एक्सक्रीट. इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द CNS. पहली चीज़ क्या हुई, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होना शुरू हुआ उसके बाद कुछ रिसेप्टर्स हैं किसकी वॉल पे, ब्लैडर की वॉल पे कुछ रिसेप्टर है जिनके थ्रू क्या होता है, सिग्नल जाता है CNS में. CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. द CNS पासिस ऑन मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंचटर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन. यानी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही CNS को ये सिग्नल मिला उसने क्या किया, उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया स्मूथ मसल का. स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जो वॉल है ब्लैडर की वॉल है उनका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया यूरेथ्रल स्पिंचटर का, जिसकी वजह से यूरिन क्या होती है, सिक्रेट आउट हो जाती है. The process of release of urine is called micturition. अगर एक word में समझाना हो, मतलब एक line में कि micturition क्या होता है, ये होता है process जिसमें urine release होती है. And the neural mechanism causing it is called the micturition reflex. अब जिस mechanism की वजह से, जिस neural signal की वजह से ये start हुआ, उसको बोलते हैं micturition reflex. ठीक है. An adult human excrete on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. अब एक जो normal person होता है वो दिन में एक से लेके 1.5 liter urine मतलब pass out करता है. The urine formed is a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic. जो urine form होती है वो बहुत ही light yellow colored का watery fluid होता है, बहुत ही liquid fluid होता है जो slightly क्या होता है, acidic होता है. And it has a characteristic odor, मतलब उसकी एक हल्की सी स्मेल होती है. On an average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. अगर हम देखें तो एक दिन में कितना होता है, 25 से लेके 30 gram urea excrete out हो जाता है. Various condition can affect the characteristic of urine. यानी कि कई सारी conditions हैं जिसकी वजह से फ़र्क पड़ता है कि urine किस type की, उसकी smell पे, उसके color पे, इन सब चीज़ों पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. Analysis of urine help in clinical diagnosis of many metabolic disorder as well as malfunctioning of the kidney. अगर ये पता लगाना है कि body में कोई problem है, कोई मतलब कोई disorder है, तो उसके लिए urine test होता है. आप देखते होंगे कई बार बीमार होने पे urine test किया जाता है, तो उससे क्या आता है, idea लग जाता है कि क्या problem है. दूसरी चीज़ है, उससे kidney की malfunctioning का भी पता चलता है. For example, presence of glucose and ketone bodies in urine are indicated of diabetes mellitus. अगर किसी की यूरिन टेस्ट करने पे उसमें शुगर डिटेक्ट हो रही है, तो उससे पता चलता है कि उसकी क्या है, उसकी
उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो यूरिन टेस्ट से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ आइडिया लग जाता है कि ये बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, क्योंकि हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वेस्ट बाहर निकालने के बारे में पढ़ रहे हैं, तो और भी ऑर्गन्स हैं बॉडी में जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अब हम उनको देखते हैं। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, अदर देन द किडनीज, लंग, लिवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज। यानी अगर हम बात करें किडनीज और लंग्स, और मतलब किडनीज के अलावा लंग, लिवर एंड स्किन जो हैं वो भी क्या करते हैं, अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्टेज को बाहर निकालने में। एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकाल देना। और लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, जो हमारे लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं डेली की डेली, ठीक है। और ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर एवरी डे, जो हमारे लंग्स होते हैं वो CO2 तो निकालते ही हैं, साथ के साथ वाटर भी हर दिन निकालते हैं। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेज लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। जो क्या होता है, लिवर होता है जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो क्या सिक्रीट करता है, वो एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स एंड कई विटामिन एंड ड्रग्स। जो भी हम दवाई वगैरह लेते हैं वो सब उसी के लिवर के थ्रू होके जाती हैं, तो वो भी बॉडी से टॉक्सिक चीज़ें निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद है, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ निकल जाती हैं। द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेज थ्रू देयर सिक्रेशन। जो बॉडी के अंदर स्वेट है, ठीक है, पसीना जो हमारा आता है, एंड सिबेशियस ग्लैंड जो स्किन के अंदर होता है वो कुछ ऐसे चीज़ें सिक्रीट आउट कर देता है बॉडी के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज़ अ वाटरी फ्लूइड। जो पसीना हमारा स्वेट ग्लैंड से बनता है वो क्या होता है, वो एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, कुछ अमाउंट में यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज़ टू फैसिलेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस। देखिए पहला जो फंक्शन है स्वेट का वो ये है कि वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अब कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है, जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो बॉडी से स्वेट निकलता है ताकि वो जब इवेपोरेट हो तो हमें ठंडक लगे, मतलब ठंडा फील हो, तो वो पहला फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा ये कई सारे वेस्टेज रिमूव करने में भी हेल्प करता है। सिबेशियस ग्लैंड जो है वो कुछ एलिमिनेट करता है कई सब्सटेंसेस, जैसे कि स्टेरॉल्स हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, एंड वैक्सेस थ्रू सीबम, ठीक है, हमारा सिबेशियस ग्लैंड इन सब चीज़ों को एक्सक्रीट आउट कर देता है। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। जब ये सिक्रीट करता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है, ठीक है, एक थोड़ी सी ऑयली काइंड ऑफ कवरिंग मिलती है। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। उसने बोला कि आपको पता है कि थोड़ा बहुत जो अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्टेज है वो हमारे सलाइवा से भी निकल जाता है। तो ये था कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसके डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैलफंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड ब्लड। अब इसने क्या लिखा है कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ब्लड के अंदर यूरिया इकट्ठा होने लगता है। क्योंकि देखो किडनी जो है वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करती है, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा, जिसे एक कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलर, जो काफ़ी हाई मतलब हार्मफुल कंडीशन होती है जिसकी वजह से किडनी फेल भी हो सकती है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल हीमोडायलिसिस। ऐसे पेशेंट्स जिनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो यूरिया रिमूव नहीं कर पा रही है उनकी बॉडी, उनको हीमोडायलिसिस पे रखा जाता है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द प्रोसेस ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड की जाती है। अब ये नहीं कि वो बॉडी के अंदर होती है, नहीं, वो फिल्ट्रेशन की यूनिट बॉडी के बाहर ही होती है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हेपेरिन।
जो ब्लड निकलता है आर्टरी से उसको पंप किया जाता है डायलिसिंग यूनिट में, ठीक है। वो ब्लड कहाँ चला जाता है, डायलिसिंग यूनिट में जाता है, और उसके बाद उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है। एंटीकोएगुलेंट हेपारिन क्यों डाला जाता है, ताकि ब्लड बॉडी से बाहर आते क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है, नीचे बैठ सकता है, तो उससे बचाने के लिए एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है ताकि वो प्रेसिपिटेट ना करे। द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड हैविंग द सेम। अब जो ये यूनिट होती है उसके अंदर क्या होता है, एक सेलोफेन ट्यूब होती है जिसके आसपास क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज। यानी इसकी कंपोजिशन वैसी होती है जो प्लाज्मा की होती है, लेकिन बस नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होते। द पोरस सेलोफेन मेंबर ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो आपका सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है ना, वो अलाउ करती है कि मॉलिक्यूल पास ऑन हो जाए। तो जो ये सेलोफिन मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या करती है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को जाना आना अलाउ करती है, किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके थ्रू जा पाएंगी। एज नाइट्रोजनस वेस्टेज आर एबसेंट इन द डायलिसिंग फ्लूड। अभी हमने पढ़ा कि डायलिसिंग फ्लूड के अंदर सब कुछ होता है, जैसे प्लाज्मा की कंसनट्रेशन होती है, बट उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होते, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा, क्योंकि डायलिसिंग फ्लूड में और कुछ नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्टेज भी नहीं है, दीज सब्सटेंसेज फ्रीली मूव आउट। ये जो चीज़ें अंदर की हैं वो बाहर चली जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, वो क्लियर हो जाता है। और ये जो क्लियर ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर वेन के थ्रू मतलब भेज दिया जाता है एंटी हेपेरिन डाल के। अब एंटी हेपेरिन डाल के, क्योंकि अब आपने हेपेरिन डाला हुआ है तो ऑलरेडी उसका कुछ साइड इफेक्ट भी बॉडी में जाके हो सकता है, तो एंटी हेपेरिन डाल के उसको बॉडी के अंदर वापस भेज देते हैं। दिस मैथड इज़ अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये ना जो मैथड है बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको कुछ ना कुछ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है या है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मैथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलर। अगर किसी की किडनी ही फेल हो गई है तो वहाँ पर उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, किसी और की किडनी उनकी बॉडी में लगा दी जाए। अ फंक्शनिंग किडनी इज़ यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर प्रिफरेबली अ क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेज ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। अब क्या किया जाता है कि अगर किसी से किडनी लेने की कोशिश करते हैं तो सोचते हैं कि कोई क्लोज ही रिलेटिव चूज़ किया जाए, क्योंकि जितना दूर का कोई रिलेटिव होगा या दूर का कोई पर्सन होगा वो अगर किडनी डोनेट करेगा तो बॉडी में वो फिट नहीं हो पाएगी, मतलब बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उससे बचने के लिए जो फंक्शनिंग किडनी है वो यूज़ की जाती है किसी क्लोज रिलेटिव की, ठीक है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब जो नए नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इस टेक्निक को भी सक्सेसफुल बना दिया है। कई केसेस में किडनी ऐसे ट्रांसफर हुई है और बहुत सक्सेसफुली हुई है। उसके बाद दो टर्म और है, रीनल कैलकुली स्टोन और इनसॉल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑक्सलेट्स फॉर्म विद इन द किडनी। जैसे कहते हैं किडनी स्टोन बन जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, छोटा सा मतलब मास या फिर कई बार बहुत बड़े स्टोन्स भी बनते हैं जिसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें, और वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जिसको भी होता है उसको बहुत सीवियर स्टमक मतलब होता है। उसके बाद है ग्लोमेरुलर नेफ्रेंटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोमेरुली है उसमें हल्का सा इन्फ्लेमेशन, उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। तो ये मोस्टली डिसऑर्डर थे एक्सक्रेटरी सिस्टम के, और ये था पार्ट 4 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का, 11th बायोलॉजी का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, और 11th एंड 12th की बायोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके 11th प्लेलिस्ट एंड 12th प्लेलिस्ट चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।